क्या तुमको लगता है क्या DHH में मुंबई वर्सेस दिल्ली होने वाला है? देखो भाई सही में बताऊं तो यार मुझे तो अभी के टाइम पे ऐसा ही लग रहा है। मुझे पता है कि तुम में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। उसका रीजन ये है, डीजी मॉडल का जो है एक पॉडकास्ट ड्रॉप हुआ था जहां पे जो मुंबई सीन के बारे में काफी कुछ बोल रहे थे भाई, एंड उसके बाद जो मुंबई के जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत ज्यादा भड़क गए थे, एंड उसके बाद क्या हुआ वो तुम यहां पे देख लो। डीजी मॉडल ने आखिर ऐसा क्यों कहा मुंबई सीन को लेकर वो तुम यहां पे देखो। कल कुछ और तरीके से पूछा गया था, आप लोगों को पूरा पॉडकास्ट देखिए जाके किस तरीके से बोला। मैंने कई बार बोला भी, मैं कहा छोड़ो मुझे नहीं बात करनी, बट मेरे को ट्रिगर किया गया, मेरे को ट्रिगर करवा के वो सब बातें निकलवाई। और फिर आप लोग अगर वो देखोगे भी कि YouTube पे उनके वो थंबनेल वगैरह क्या है, तो वो बहुत भड़काऊ है, जो अलग तरीके से के व्यूज आए उनके पास और सबका बिजनेस चले, समझ रहे हो? ये था मुद्दा ना, तो उनके बिजनेस के चक्कर में हमारे को इन्होंने पीस दिया। बेसिकली बात यह है, उनको चाहिए ही वो था कि उनका चैनल चल नहीं रहा था भाइयों का, वो इस वजह से अब उस पर जा रहे हैं हमारे भाई लोग, और उनका बस उनकी दुकान चल रही है, दैट्स इट। मैंने कोई दिल्ली मुंबई में हेटेड फैलाया नहीं था भाई, आप लोग देखो तो सवाल ही वही लोग पूछ रहे थे, मैनिपुलेशन। मैंने उसके कई बार मना करा कि भाई आई डोंट वांट टू एंटरटेन दिस, बट बार 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 बार, और मैंने कुछ अलग परसेप्शन बताया भाई, मैंने दिल्ली मुंबई के बारे में तो कुछ हेट फैलाया नहीं। ओके, तो इतना तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो डीजे मॉडल ने कहा था जो कुछ भी अपने पॉडकास्ट में, वो बेसिकली गाइस यार ऐसे ही सवाल कर रहे थे लोग, उसकी वजह से भाई को जवाब देना पड़ा। बाकी आई डोंट नो कि यार इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, जो कुछ भी सोचते हो कमेंट करके जरूर से बताना।